स्वागत है दोस्तों आपका एच के क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने बेंडिंग इक्वेशन को डेराइव किया था। आज हम और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म समझेंगे और जो हमारी बेंडिंग इक्वेशन है उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो क्या होता है कि जो बीम होती है वो दो या दो से ज्यादा मटेरियल की भी हो सकती है। तो अगर एक बीम है जो कि आपकी दो मटेरियल की बनी हुई है तो जो यंग्स मॉडुलस का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलर रेशियो। मान लीजिए आपकी जो बीम है वो स्टील और टिम्बर की बनी हुई है तो उनका जो मॉडुलर यंग्स मॉडुलस का रेशियो होगा ई जो जिसको हम बोलते हैं तो ES बाई ईटी वो क्या हो जाएगा हमारा मॉडुलर रेशियो। अब ये मॉडुलर रेशियो हमेशा ग्रेटर देन वन होता है, मीन्स जो ई बड़ा होगा उसको हम ऊपर रखेंगे और जो ई छोटा होगा उसको हम नीचे रखेंगे। यहाँ पे आपका ES ग्रेटर देन क्या होता है, ईटी होता है, इसलिए जो आपका मॉडुलर रेशियो है वो क्या हो जाएगा, ES बाय ईटी। सो मॉडुलर रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द टू मटेरियल्स इज कॉल्ड मॉडुलर रेशियो। इफ ए बीम इज मेड अप ऑफ स्टील एंड टिम्बर देन मॉडुलर रेशियो ऑफ बीम विल बी एम इज इक्वल्स टू ES बाय ईटी एंड मॉडुलर रेशियो विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन। तो ये हमें याद रखना है। दूसरा है हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी बीम होती है उसमें ऊपर जो स्ट्रेसेस लगती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगती है और जो नीचे स्ट्रेसेस लगती है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस लगती है। अब बीच में एक ऐसी लेयर होती है जो कि ना तो शॉर्ट होती है ना इलोंगेट होती है, मीन्स ना तो उसमें कोई कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है ना ही उसमें कोई टेंसाइल स्ट्रेस आता है। अब ऐसी बीम, ऐसी जो लेयर होती है वो न्यूट्रल होती है, मीन्स उसमें कोई इलोंगेशन कोई शॉर्टनेस नहीं आती है, तो ऐसी लेयर को हम न्यूट्रल लेयर बोलते हैं और वो जो एक्सिस होती है उसको हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, देखिए, व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग लोड इट्स अपर फाइबर्स गेट शॉर्ट ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस व्हाइल लोअर फाइबर विल इलोंगेट ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस। बिटवीन दिस अपर एंड लोअर लेयर देयर इज लेयर विच नाइदर शॉर्ट और इलोंगेट। ए एक्सिस विच इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसपे कोई सी भी स्ट्रेस नहीं होती है, ना ही कोई कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है ना ही कोई टेंसाइल स्ट्रेस होती है। अब थर्ड है हमारा सेक्शन मॉडुलस, ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हमारे पास जो बेंडिंग इक्वेशन है वो क्या होती है, एम बाय आई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई। अब इसमें एम हमारा मूवमेंट है, आई हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिग्मा हमारी बेंडिंग स्ट्रेस है और वाई हमारा जो डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस से। मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस है तो यहां से जो डेप्थ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, और जो अपर मोस्ट तक वो क्या हो जाएगी, हमारी वाई मैक्स हो जाएगी। अब स्ट्रेस आपका मैक्सिमम कब होगा, जब आपका वाई जो है वो मैक्सिमम होता है। तो द स्ट्रेस सिग्मा बिकम्स मैक्सिमम एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, मीन्स जैसे जैसे हम, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे जो आपका सिग्मा आता है वो क्या आता है, जीरो आता है। तो इसका अगर हम वेरिएशन बनाते हैं गाइस तो ये देखिए, अगर ये हमारी बीम है तो ये आपका सिग्मा मैक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका सिग्मा मैक्स आ जाएगा और यहां से यहाँ पे ये वाई मैक्स हो जाएगा और ऊपर भी ये वाई मैक्स हो जाएगा। और ये जो आपकी ये होती है ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस होती है जिसपे आपका सिग्मा कितना होता है गाइस, जीरो होता है। नाउ लेट वाई मैक्स बी द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, देन स्ट्रेस एट दिस सेक्शन विल बी गिवन बाय, हमारा एम बाय आई कितना होता है, सिग्मा बाय वाई, तो हम मैक्स लिख लेते हैं उनको, सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इज इक्वल्स टू एम बाय आई। अब सिग्मा मैक्स कितना हो जाएगा आपका, एम बाय आई इंटू वाई मैक्स। अब अगर एम वाई, अब एम को लिखे तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा मैक्स इंटू आई अपॉन वाई मैक्स। एम कितना हो जाएगा हमारा, सिग्मा मैक्स इंटू जेड, वेयर जेड इज इक्वल्स टू आई अपॉन वाई मैक्स। और ये जो रेशियो होता है आई बाय वाई मैक्स इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, सेक्शन मॉडुलस। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड से, जेड क्या हो जाएगा हमारा आई अपॉन वाई मैक्स। एम कितना हो जाता है आपका, सिग्मा मैक्स इंटू जेड। और ये जो जेड है आपका सेक्शन मॉडुलस है, ये स्ट्रेंथ ऑफ
बीम रिप्रेजेंट करता है। मींस जितना ज्यादा आपका जेड होगा उतना ही अच्छा आपका सेक्शन होगा, उतनी अच्छी आपकी बीम होगी। सो स्ट्रेंथ अगर आपको बीम की अच्छी चाहिए तो आप जेड को क्या रखोगे, मैक्सिमम रखोगे। ये होता है सेक्शन मॉडुलस का इम्पोर्टेंस। तो हम सेक्शन मॉडुलस दो बीम का निकाल सकते हैं, वो पता कर सकते हैं कि कौन सी बीम ज्यादा अच्छी है। फोर्थ है हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब होता क्या है गाइज, यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर की स्ट्रेसेस होती है ये आपकी क्या होती है, कंप्रेसिव होती है, और जो नीचे की जो स्ट्रेस है वो टेंसाइल होती है। तो अब होता क्या है कि ऊपर की कंप्रेसिव है, नीचे की टेंसाइल है, और ये आपका लीवर आर्म होता है, तो ये क्या कर लेता है, कपल बना लेता है। तो ये कपल बना लेगा तो मूवमेंट जनरेट कर देगा, तो इस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए एक बीम में एक मूवमेंट जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग लोड देन ऑन वन साइड ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस देयर आर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एंड ऑन द अदर साइड देयर आर टेंसाइल स्ट्रेसेस। दिस टू स्ट्रेसेस फॉर्म ए कपल, वो कपल जनरेट कर लेते हैं। तो उस कपल को रोकने के लिए एक मूवमेंट जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस।